सो गाइस आज मैं आप लोगों को बजाज कंपनी का JX10 जूसर कम मिक्सर ग्राइंडर की एक फटाफट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। गाइस हर एक सब्सक्राइबर की यही क्वेश्चन है कि JMG में आप ठीक ठाक मसाला कर सकते हैं या नहीं, इसी क्वेश्चन की आंसर देने के लिए आज मैं ये रिव्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो वेलकम टू माई चैनल गाइस। सो गाइस ये रहा बजाज की JMG, यहाँ पे डिटेल MRP दिया गया है 3875, यहाँ पे कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन। सो गाइस ये रहा बॉक्स की अदर साइड, यहाँ पे बजाज JX10 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, और ये भी बॉक्स की अदर साइड। सो गाइस अभी फिलहाल देख लेते हैं इसकी एक अनबॉक्सिंग। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है आप प्लीज़ उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो गाइस इसकी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये है बजाज JMG JX10। यहाँ पे जो जार मुझे रिसीव हुआ है जूसर जार, ये पूरा ब्रेकेज है दोनों तरफ से, ये शायद ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी की वजह से टूट गया है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, नीचे जो बेस है ये प्लास्टिक बॉडी का है। और गाइस यहाँ पे आप लोग को एक हैंडल भी दिया गया है और जार की बॉडी पे यहाँ पे ML की कैपेसिटी भी लिखा गया है। सो गाइस ये रहा JMG की चटनी जर के भी नीचे जो बेस है ये प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है और अनब्रेकेबल कैप यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। कैप में रबर वॉशर दिया गया है और जार के अंदर में आप लोगों को दो ब्लेड वाला ब्लेड यहाँ पे कंपनी ने दिया है। जार तो मुझे फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और गाइस ये रहा ग्राइंडिंग जार में भी जो बेस है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, अंदर में प्लास्टिक का कपलिंग। और गाइस यहाँ पे जो भी कैप दिया गया है ये भी अनब्रेकेबल है, अंदर में चार ब्लेड वाला ब्लेड कंपनी ने यहाँ पे दिया है आप लोगों को। और गाइस ये तो जार मुझे फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिलहाल यहाँ पे कोई भी रबर वॉशर दिया नहीं गया है। और गाइस ये रहा जूसर जार की ढक्कन, यहाँ पे भी आप लोगों को रबर गैस्केट नहीं दिया है, उसका वजह है ये आप देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, हाथ में लेने से मुझे लग रहा है कि जैसे कोई रबर का बना हुआ है ताकि ये टूटेगा भी नहीं आसानी से। और यहाँ पे एक मसाला निकालने के लिए स्पैचुला, साथ में एक मैनुअल बुक एंड वारंटी कार्ड, ओवरऑल 2 ईयर एंड मोटर में 5 ईयर वारंटी यहाँ पे कंपनी ने आप लोगों को दिया है। सो गाइस फाइनली मेरे हाथ में ये रहा बजाज का JX10 JMG, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 100% कॉपर मोटर से बना हुआ है, यहाँ पे बजाज का ब्रांडिंग। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को 3 स्पीड दिया गया है, 1, 2 एंड 3। और ये रहा JMG का नीचे का लुक, यहाँ पे 4 रबर स्टैंड दिया गया है ताकि बेहतर ग्रिप रहे, यहाँ पे रेड कलर में ओवरलोडिंग बटन। और गाइस यहाँ पे मोटर की कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा गया है और यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से लिखा गया है। सो गाइस आइए फटाफट इसको आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। और ये है पल्प कंटेनर, यहाँ पे जो फाइबर निकलेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। सो गाइस JMG में आप लोगों को यहाँ पे 2 पिन प्लग दिया गया है और ये फ्रूट प्रेस करने के लिए छोटा सा पुशर, यहाँ पे फ्रूट देने के बाद आप लोगों को इससे थोड़ा प्रेस करना है। सो गाइस JMG को खोलने के लिए यहाँ पे जो लॉक दिया है उसे कुछ इस तरह पुल करना है, आपको बोथ साइड में ही लॉक दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग ऊपर वाला ये जो कैप है उसको उतारना है और यहाँ पे अंदर में स्टेनलेस स्टील ब्लेड दिया गया है, देखिए ये पूरा स्टील से बना हुआ है
और नीचे जो व्हाइट कलर की बॉर्डर देख रहे हैं ये वो प्लास्टिक से बना हुआ है। और उसके बाद आपको इस वाले पोर्शन को खोलना है। सो गाइस जेएमयू को लेके ना हर एक आदमी के मन में सवाल है कि यहाँ पे आपका मसाला होता है कि नहीं होता है। और ये रहा जेएमयू का कापलिंग। सो गाइस फटाफट इसको फिट कैसे कर लेते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। पहले आप लोगों को ये वाला पोर्शन बिठाना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो होल किया गया है यहाँ से जूस बाहर निकलता है, यहाँ से आपको ग्लास में वो जूस स्टोर होगा। देखिए एक के बाद एक इस ब्लेड को आपको ध्यान से पुश करके लगाना है, उसके बाद ये वाला पोर्शन एंड देन आपको ये लॉक कर देना है बोथ साइड में, बस ये एकदम से फिट हो जाएगा। सो गाइस मसाला होता है या नहीं होता है इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आप लोगों को जेएमजी का आज टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड अभी आइए इसको फटाफट खोल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो चीज ग्लो कर रहा है ये है कॉपर कॉयल, यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम में कॉपर कॉइल बाइंडिंग यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पे देखिए ये है ओवरलोडिंग बटन और ये है उसका रेगुलेटर। तो चलिए अभी इसे मैं फटाफट फिट कर लेता हूँ। सो गाइस जेएमजी का यहाँ पे हाइट दिया गया है 12 इंच और यहाँ पे इसका लेंथ भी 12 इंच रखा गया है। और गाइस यहाँ पे 9 इंच डेप्थ यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस मैंने अभी थोड़ा सा जीरा लिया है यहाँ पे, मैं इसे पहले से ही थोड़ा गर्म करके रखा हूँ ताकि अच्छी तरह से ये डस्ट हो जाए। तो चलिए अभी इसे ऑन करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जार में जो दोनों तरफ लॉक दिया गया है, यहाँ पे आपका जो मिक्सर की बॉडी है यहाँ पे भी लॉक दिया गया है। इस दोनों लॉक को कुछ इस तरह से यहाँ पे बिठा के आप लोगों को घुमाना है ताकि ये लॉक हो जाए, जार खुलेगा नहीं इससे। सो मैंने यहाँ पे 15 सेकेंड इसको घुमाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपका जीरा गोटा ही रह गया है। तो इसे मैं फिर से घुमाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर से 15 सेकेंड घुमाने के बाद अभी खोल के देखते हैं कि क्या पोजीशन ये अभी हुआ है इसका। यहाँ पे देखिए जीरा फिर भी थोड़ा थोड़ा आपका जो गोटा जीरा है वही रह गया है। सो गाइस फाइनली अभी 30 सेकेंड घुमाने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसका पोजीशन अभी क्या आया है। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए तकरीबन 90% या 95% तक ये अच्छी तरह से डस्ट हो गया है, मतलब इसे आप चाहे तो और 10-15-20 सेकेंड घुमाने के बाद ये एकदम पूरा पूरी डस्ट हो जाएगा। सो गाइस अभी जूसर की टेस्टिंग बाकी है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गाजर लिया है अभी इसे चूज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्लास फिट कर दिया है। सो गाइस इस पुशर से यहाँ पे आप लोगों को पुश करना है ताकि फल नीचे पहुंच जाए। देखिए यहाँ से कैसे जूस बाहर निकल रहा है। सो फाइनली मेरे हाथ में आ गया है गाजर का जूस। सो इसे मैं अभी फटाफट आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेन करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पल्प और फाइबर आप जो भी कहे ये यहाँ पे रह गया है, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो फ्रेंड अगर आप लोग ये जेएमजी लेना चाह रहे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।